अस्सलाम वालेकुम जय मशेक, आप लोगों के साथ आज PSO, APL, Shell, HESCOL इनकी सेल्स का हम डाटा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। इस डाटा के मुताबिक और क्या क्या चीज़ें मतलब समराइज की जा सकती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और आपको इससे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि शेल, हेस्कोल, अटक पेट्रोलियम और PSO में क्या प्राइस जो ट्रेंड चलता रहा है उसमें बैक एंड पे कौन सा फंडामेंटल फैक्टर और भी वर्किंग कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो PSO है इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11 महीने का अगर आप बात करें कि टोटल कितनी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है 2020 के मुकाबले में, इसकी ओवरऑल कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है सेल्स में, तो 25% ये 11 महीनों में इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अगर सिर्फ मई की बात करें तो 22% सेल्स में इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल में इजाफा हुआ है 317%, 6% इजाफा हुआ है हाई स्पीड डीजल में, और मोटर स्पिरिट में 26% का इजाफा हुआ है। ओवरऑल अगर नेट देखें तो 22% का इजाफा हुआ है जी PSO की सेल्स में। इसी तरह अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की सेल्स में अगर देखें तो 3% का इजाफा नेट देखा गया है मई 2021 में, जबकि 11 महीनों का डाटा अगर हम देखें तो ये बनता है जी 1% की कमी हुई है। तो इसी तरह हम शेल का देखें तो 35% सेल्स में इजाफा हुआ है 2021 मई के महीने में, और 11 महीनों का अगर टोटल देखें तो 14% का इजाफा हुआ है जी सेल्स में। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जो मई का महीना है वो शेल के लिए बहुत बेहतर रहा है, और इस महीने में इनकी सेल्स बहुत ही अच्छी रही हैं, और उसका डाटा भी आप लोगों के सामने 35% का इजाफा हुआ है, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट यह है कि पिछले अगर एक महीना पहले तक का आप डाटा देखें तो शेल की सेल्स पिछले साल के मुकाबले में भी खासी कम हुई थी और बहुत सारे डोमेन्स में हुई थी, और अब वो ओवरऑल एवरेज इनकी बहुत बेहतर हो चुकी है। यही वजह है कि शेल की प्राइस में भी, शेयर प्राइस में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। HESCOL का ओवरऑल बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, इसमें 50% कमी हुई है सेल्स में सिर्फ और सिर्फ मई के महीने में, और 28% ओवरऑल 11 महीनों का अगर डाटा निकालें तो 28% की कमी हो चुकी है। तो मार्केट शेयर अगर देखें कि ओवरऑल मार्केट में सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन कर रहा है, तो PSO ऑयल मार्केटिंग कंपनी का 45% हिस्सा मई में था, ओवरऑल 46% 11 महीने में इसके पास मार्केट शेयर है जी। अटक पेट्रोलियम का शेयर थोड़ा सा मार्केट शेयर बेहतर लग रहा है, उसमें 8% मई में रहा है, बाकी 11 महीनों में टोटल 9% का इनका मार्केट शेयर रहा है। शेल का 8% इस महीने में भी और 11 महीनों में भी 8% ओवरऑल सप्लाई, जितनी भी कंपनी सप्लाई कर रही है ये ऑयल सेल कर रही है उसमें परसेंटेज और टोटल की बेसिस पे अगर निकालें तो ये 8% शेल का बनता है, 3% HESCOL का बनता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी, मतलब ये मई में, और फिर ईयरली ये जो 11 महीनों का रिजल्ट है उसके मुताबिक 4% ओवरऑल बनता है। तो अगर हम बात करें जो मोटर स्पिरिट है, क्योंकि ये बड़ी मेजर प्रोडक्ट्स में से एक ये मोटर स्पिरिट है, और इसके अलावा जो बनता है दूसरा मेजर हाई स्पीड डीजल बनता है, तो इसमें 2021 में 42% PSO का था, पिछले साल सेम पीरियड में इनके पास था जी 11 महीनों का 39% मार्केट शेयर था, मतलब ओवरऑल 3% पिछले साल के मुकाबले में मार्केट शेयर भी PSO का बेहतर हुआ है। इसी तरह अटक पेट्रोलियम की अगर बात करें तो अभी 11 महीनों में 7% शो हो रहा है, लेकिन लास्ट ईयर 11 महीनों में 9% मार्केट शेयर था, तो 2% मार्केट शेयर पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा कमी हुई है। किस वाले सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये MS की बात कर रहा हूँ, मोटर स्पिरिट की। 11% था जी शेल का पिछले साल भी और इस साल भी 11 ही है, लेकिन HESCOL का इस साल 5% रहा है MS में, मतलब मोटर स्पिरिट में, लास्ट ईयर इसका पोर्शन था जी 8%, तो मतलब 3% MS की सेल में मार्केट शेयर भी HESCOL का कम हुआ है। अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो पिछले साल
11 महीनों में पीएसओ के पास 45% था, अभी 3% उसमें भी इजाफा हुआ है पीएसओ का, 48% हो गया। और अटक पेट्रोलियम का इस बार 7% है, लास्ट ईयर 10% था, मतलब कि 3% अटक पेट्रोलियम की कमी हुई है। शेल 8% है इस 3 क्वार्टर्स से प्लस में, मतलब फोर्थ क्वार्टर क्लोज होने वाला 11 महीनों में, लास्ट ईयर 7% था, मतलब 1% इजाफा हुआ है शेल का इसमें। जो हैस्कोल है 4% है इस 11 महीनों में, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 8% था, मतलब आधा रह गया हाई स्पीड डीजल का मार्केट शेयर भी। तो ये वजह है कि हैस्कोल इतना पिटा और 11 रुपये तक आ गया, इवन इससे भी नीचे चले गया था। तो ये इनकी सेल्स का डाटा एनालाइज करें तो इसकी बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, फर्दर आपको अंदाज़ा होता है मंथली बेसिस पे कि कौन सा शेयर किस वजह से एकदम से अप हुआ। लेकिन बड़े प्लेयर्स के पास ये सारा डाटा, ये सारा रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर हो जाता है, उनके पास टाइम से पहले होता है। तो यही वजह है कि हम तक रिपोर्ट आने से पहले पहले एक अच्छी रैली बन चुकी होती है। तो अभी जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो मार्केट का शेयर भी पीएसओ का है, प्लस सेल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, तो इसकी टारगेट प्राइस मुख्तलिफ ब्रोकर खास तौर पर एकेडी 300 रुपये की टारगेट प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं दिसंबर 2021 तक की पीएसओ की। बाकी किसी शेयर की टारगेट प्राइस इस तरह से डिस्क्लोज उन्होंने नहीं की, और जब कोई करेगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शेल भी मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर लग रहा है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने राइट इशू भी इसीलिए किए थे कि अपनी एक्सपेंशन प्लस कैश फ्लो अपना मैनेज करें, बेहतर करें, और ये दो कंपनीज मेजर पोर्शन अपना कवर करेंगी। अटक पेट्रोलियम भी बहुत अच्छी है, नो डाउट उनका मार्केट शेयर शेल से भी बेहतर है, प्लस वो डिविडेंड भी पे आउट कर रहे हैं। शेल में और पीएसओ में सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी ये उस तरह से भी आप देखेंगे कि मजीद भी परफॉर्म करेंगे, ये सर्कुलर डेट जैसे ही क्लियर होंगे। पीएसओ का बहुत सारा पैसा रिफाइनरीज में और गवर्नमेंट के पास स्टक है, इसी तरह शेल का भी बहुत ज्यादा पैसा है जो कि इसने शेल ने अपने ऑपरेटिंग कैपिटल के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रखा हुआ था, वो सारा स्टक है गवर्नमेंट के पास और रिफाइनरीज के पास। और शेल ने भी काफी फॉलो अप किए हुए हैं, पीएसओ ने भी, और शेल का कहना यह है कि अगर हमारी वो रिकवरी हो जाती है तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे, मैनेजमेंट मजीद बेहतर करेंगे और मार्केट शेयर हमारा पहले से बेहतर होगा। तो ये राइट इशू इनके करने का मकसद भी यही था कि कैश इनके पास बेहतर हो, ये अपने ऑपरेशंस को भी बेहतर कर सके, डे टू डे ऑपरेशंस को भी, और अपनी मैनेजमेंट को भी पहले से बेहतर कर सके। लेट्स सी, शेल का फ्यूचर भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये अच्छा लगता है, और पीएसओ तो ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर भी अपना तेजी से बढ़ा रहा है, और इस बार तो इसने डिविडेंड भी अच्छा दिया था। तो इस हिसाब से अपनी वर्किंग करिए, ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ टारगेट प्राइस सेट करते हुए प्रॉपर वे में रिसर्च करने के बाद वर्किंग करिए। अल्लाह हाफिज़।